बच्चों, जैसे कि जितनी का सफर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया? तो आप लोगों को भी आश्चर्य लग रहा होगा कि गांधी जी का तो सिर्फ उस पर नाम भी लिखा था, पता भी नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी कैसे पहुंच गया? तो आप सबको पता है कि गांधी जी कितने प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनको तो देश का बच्चा बच्चा जानता था, और तो डाकिये तो जानते ही होंगे, अतः चिट्ठियां उनके नाम के सहारे ही पहुंच जाती थी। सबको समझ आया? ओके, अब प्रश्न दो। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? तो एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम, तो पता भी है, नाम भी है, तो जरूर पहुंच जाएगा। हाँ, पता उस व्यक्ति के निवास को दर्शाएगा। जो पता लिखा है बेटा पत्र में, वो बताएगा कि वो व्यक्ति किस निवास, मतलब कहाँ पे वास करता है, कहाँ पे रहता है, उसका एड्रेस, उसका निवास बताए, दर्शाएगा, मतलब बताएगा, दिखाएगा। वह नाम से पुष्टि हो जाएगी, नाम से पुष्टि हो जाएगी, मतलब उसने जो नाम लिखा है उससे पता चल जाएगा, उससे कंफर्म हो जाएगा कि अमुक व्यक्ति इसी स्थान पर रहता है। निवास से तो उसका एड्रेस पता चल गया कि वो किस निवास में रहता है। अब उस निवास में उसका नाम भी लिखा हुआ है, तो नाम से पता चल जाएगा कि अमुक, मतलब जिसका नाम लिखा हुआ है, वही व्यक्ति इस स्थान पर रहता है, और उस व्यक्ति को हम पत्र दे देंगे। प्रश्न तीन, नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती है? अब पत्र में अगर सिर्फ पता लिखा हो, नाम ना लिखा हो, तो फिर क्या समस्या आ सकती है? बड़ी समस्या आ सकती है बच्चों। नाम ना होने से पत्र सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि डाकिये व उस पते पर रहने वाले लोगों को ये तो पता ही नहीं होगा कि ये पत्र किसके नाम पर आया है या किसके लिए आया है, क्योंकि उसका नाम नहीं लिखा है। इसलिए वो पत्र किसको पहुंचाए, डाकिये को ये नहीं पता चलेगा। तो बच्चों, ये सब आपको समझ में आया?